नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश के इंदौर में नाबालिग युवक युवतियों द्वारा नासमझी के चलते आत्महत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ये सही मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में परिजनों द्वारा कोचिंग जाने को लेकर हुई नाबालिग युवती के साथ कहासुनी में युवती ने घर की बाथरूम में रखे एसिड पीकर आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र स्थित डॉक्टर कॉलोनी में रहने वाले अनिल रावत नाम वाले व्यक्ति की युवती द्वारा घर के बाथरूम में एसिड पीकर आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया। परिजनों द्वारा बताया गया है कि रेखा नामक युवती रोजाना शाम को कोचिंग जाया करती थी, लेकिन देर शाम कोचिंग जाने के वक्त मृतक युवती की मां ने उसे डांटा तो युवती द्वारा एसिड पीकर आत्महत्या की कोशिश की। युवती की तबीयत खराब हुई तो परिजन उसे तत्काल एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई है। घटना की जानकारी लगते ही द्वारकापुरी पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला हॉस्पिटल भेजा गया है। तो ड्यूटी वगैरह हमारी करते हैं, हम वही काम धंधे पे गए हुए थे। हम शाम को आए, जब मालूम पड़ा कि वो उनको टूस कोचिंग जाने के लिए माँ ने थोड़ा डांटा था, उन्होंने एसिड पी लिया और आकर नीचे बोल भी दिया कि हमने एसिड पी लिया। कितने साल की बच्ची थी? 18 साल। अच्छा, पिताजी का नाम क्या? इनके अनिल रावत। कहते कहाँ है? हवा मंगला। डॉक्टर कॉलोनी। कौन सी क्लास पढ़ रही थी भैया? वो अभी स्कूल तो छोड़ दिया था, कोचिंग जा रहा है। अच्छा, काय की तैयारी कर रही थी? काय तैयारी नहीं, मतलब अपने हिसाब से पढ़ना लिखना चाहती थी। अच्छा, तो किसकी कोचिंग जा रही थी, मतलब किस सब्जेक्ट की? क्या मतलब वही अपने इंग्लिश सीखने जाती थी? हाँ, सीखने, मतलब अपना पढ़ना वगैरह। अच्छा, तो मम्मी ने डांट दिया था कि मत जा कोचिंग? नहीं, जाओ जाओ। वो नहीं गए, वो नहीं जा रही थी। हाँ, कितनी बजे की बात है ये? ये शाम मतलब 6:30 की बात। इलाज के लिए भर्ती करा होगा हॉस्पिटल में? हाँ जी। मौत हो गई आज जी। क्या काम करते हैं आप? हम मालिक करते हैं। आपका नाम बताइए। सुनील रावल। आप कौन? नाम बता। बड़े पापा उनके। शाखा नाम की लड़की थी। हाँ। और डॉक्टर कॉलोनी में रहती थी। उसके मम्मी ने कोचिंग जाने के लिए बोला कि तुम पढ़ाई लिखाई नहीं, कोचिंग चला जा। इसी बात को गुस्से में आकर उसने बाथरूम में रखा हुआ एसिड जो है दो ढक्कन पी लिया था। जो थोड़ा में अस्पताल में भर्ती थी, इलाज के दौरान उसकी जो है कल रात को मृत्यु हो गई। कुछ कारण आया सामने? कारण कोई नहीं है। कारण ये कि घर वाले पढ़ाई करने कोचिंग जाने के लिए बोल रहे थे और लॉकडाउन में घर में बैठी रहती थी और पढ़ने कोचिंग नहीं जा रही थी। इसी बात को लेकर गुस्से में आकर उसने जो है क्या है, कोई ऐसी कोई जांच नहीं, घर वाले किसी से सुबह जाहिर नहीं किया है। कोई सुसाइड नोट वोट छोड़ा इसमें? कुछ नहीं प्राप्त हुआ। आपका नाम है? प्रधान आचार्य आनंद मिश्रा, थाना द्वारकापुरी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड।